हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स चलिए इस वीडियो में हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर नंबर थ्री अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन बैंक और इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री ए और क्वेश्चन नंबर थ्री बी जिसमें से थ्री ए जो है वो कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी है थ्री मार्क्स के लिए है और जो बी रहेगा वो एक आपका क्वेश्चन रहेगा थ्री मार्क्स के लिए तो चलिए शुरू करते हैं और इसके नोट्स जो हैं ऑलरेडी वेबसाइट पे अपलोडेड हैं एल ई आपको मालूम है आ, उस पर आप विजिट करिए आपको पी फॉर्म में मिल जाएगा आपके लिए ईजी रहेगा रीड करने के लिए रिविजन करने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला जो क्वेश्चन है एक्टिविटी का वो ये दिया है कि हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय फाइव तो ये क्वेश्चन है और ये उनका एक्टिविटी है उसका सॉल्यूशन भी आपको दिया है तो चलिए देखते हैं एक्टिविटी में कि टू डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय फाइव आर टेन फिफ्टीन ट्वेंटी और अप टू नाइन्टी क्योंकि 96 जो रहेगा वो 5 से डिवाइड नहीं होगा 97 नहीं होगा 98 नहीं होगा 99 नहीं होगा और 100 अगर होता भी है तो 100 थ्री डिजिट का नंबर हो जाता है जो आपको नहीं लेना है आपको टू डिजिट का नंबर लेना है जो मैक्सिमम 99 रहेगा लेकिन वो भी 5 से डिवाइड होना चाहिए इसलिए 99 को छोड़ दिया नाइन्टी तक ही दो डिजिट का ऐसा नंबर है जो फाइव से आप डिवाइड कर सकते हो और उसी तरह टू तो डिजिट का नंबर जो है वो शुरू होता है टेन से और ये टेन जो फर्स्ट नंबर है टू डिजिट का ये फाइव से डिविजिबल है इसके लिए टेन से शुरू किया है तो ये वो ए पी रहेगा जो फाइव uh, से डिविजिबल रहेगा टू डिजिट के नंबर फिर यहाँ पे आपको डी दिया है फाइव क्योंकि आप डिफरेंस निकालोगे आपको फाइव मिलेगा देर फोर दिस इज ए एपी। हर जगह पे फाइव मिलेगा ये ए रहेगा या उन्होंने बताया वैसे भी ए है ये अब यहाँ पे ए आपको टेन दिया है और डी आपको फाइव दिया है टी जो लास्ट टर्म आप देख रहे हो वो नाइन्टी है और एन मतलब वो कौन से पोजिशन नंबर पर है वो आपको फाइंड आउट करना है और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ बहुत लोग को पता है बहुत लोग अभी भी स्टिल डाउट है टी एन जो आपको लास्ट दिखाई दे रहा है और एन वो उसका पोजीशन नंबर जिसे ये फर्स्ट पोजीशन पे सेकेंड पे ये थर्ड पे वैसे इसका पोजीशन नंबर क्या है वो आपको फाइंड आउट करना है तो वो टी एन के फॉर्मूले से ही आएगा तो सोल्यूशन से शुरू करते हैं और यहाँ पर टी एन का फॉर्मूला आपको लिख के दिखाएगी ए प्लस एन माइनस वन इन टू आपको पता है कि अगर ये फॉर्मूला दिया है और ए का वैल्यू सब्सिट्यूट नहीं किया है एन का मतलब ए का वैल्यू सब्सिट्यूट नहीं किया है टी का वैल्यू सब्सिट्यूट नहीं किया तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उन्होंने फॉर्मूला लिखा, तो लिखा, लिखा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी उसके बाद यहाँ पे नंबर सब्सिट्यूट किया ए के प्लेस पे टेन लिखा है और एन माइनस वन इंटू डी के प्लेस पर उन्होंने फाइव लिखा है तो टी के प्लेस पे आपको लिखना पड़ेगा नाइन्टी क्योंकि टी जो है आपके लिए नाइन्टी है तो यहाँ पर आ जाएगा नाइनटी उसके बाद यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि n माइनस वन आपको दिया है इंटू फाइव दिया है मतलब ये जो 10 है ये यह यहाँ पे हटाया गया है तो ये जो प्लस टेन है जब वो इस तरफ जाएगा तो 95 के साथ माइनस टेन हो जाएगा और 95 के साथ अगर आप माइनस टेन करोगे तो वो 85 हो जाएगा इसका मतलब है कि इस बॉक्स में आपको 85 आएगा फिर यहाँ पर अगर आप देखते हो तो एन माइनस रहा है और जो इंटू है वो उस तरफ गया है और उस तरफ गया है तो वो डिवाइड हो चुका है तो एटी को अगर आप फाइव से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा सेवनटीन और उसके बाद फाइनली डायरेक्टली एन का वैल्यू के लिए आपको बॉक्स बनाया है इसका मतलब ये है कि अगर एन का वैल्यू चाहिए तो आपको माइनस वन को वहाँ पे भेजना भी भी पड़ेगा जो सेवनटीन के साथ जाके प्लस हो जाएगा और सेवनटीन प्लस वन आपको दे देगा एटीन तो एन का जो वैल्यू है वो एटीन मिल जाएगा और देर आर एटीन टू डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई फाइव अब देखिए एक दो तीन ऐसा करते करते ये एटीन पोजिशन पर है तो इसका मतलब टोटल अठारह नंबर ऐसे हैं दो डिजिट के जिनको आप फाइव से जो फाइव से डिवाइड हो पाते हैं चलिए फर्स्ट एक्टिविटी आपका कंप्लीट होता है सेकेंड देखते हैं तो सेकेंड एक्टिविटी आपका क्या लिखा है कि कल्पना सेव्स सम अमाउंट एवरी मंथ कल्पना कुछ पैसे जो है वो हर महीने वो सेव करती है इन फर्स्ट थ्री मंथ उसके पहले का जो थ्री मंथ हुआ है शी सेव्स रुपीज़ हंड्रेड वन फिफ्टी और टू हंड्रेड तो उसने पहले मंथ में अगर हंड्रेड जमा किया है सेकेंड में वन फिफ्टी जमा किया है थर्ड में अगर टू हंड्रेड किया है, तो आप यहाँ से देख के समझ सकते हो कि पचास पचास रुपये का या फिफ्टी फिफ्टी रुपीज़ का डिफरेंस उसने रखा है रेस्पेक्टिवली इसी तरह उसने आगे भी किया है फिर हमसे ये पूछा कि इन हाउ मेनी मंथ्स विल शी सेव ट्वेल्व हंड्रेड मतलब वन थाउजेंड टू हंड्रेड तो अगर मैं आपको बोलूँ कि फर्स्ट मंथ का सेविंग किया तो आप बोलोगे हंड्रेड सेकेंड का बोलूँगा तो वन फिफ्टी थर्ड का बोलूँगा तो टू हंड्रेड उसी तरह कितवे पोजिशन का या कितवे मंथ का जो सेविंग रहेगा वो वन थाउजेंड टू हंड्रेड रहेगा ये आपसे पूछा है इसका यही मतलब है कि आपसे एन पूछा है और एन यहाँ पर आप देख भी पा रहे हो कि एन आपसे पूछा है तो कल्पना मंथली सेविंग आपको एक्टिविटी में क्या क्या दिया है? कि उसका जो मंथली सेविंग है वो हंड्रेड है वन फिफ्टी है टू हंड्रेड है और ऐसे करते करते ट्वेल्व हंड्रेड तक है बीच में आपको नहीं बता है और ट्वेल्व हंड्रेड जो है वो कितवे मंथ में आ रहा है ये आपसे पूछा है इसका मतलब एन आपसे पूछा है तो डी आपको बता दिया कि फिफ्टी है और देरफोर दिस सिक्वेंस इज़ एन ए पी ये भी आपको बता है ए आपके पास हंड्रेड दिया है डी आपको बताया फिफ्टी है, है टी एन क्या है टी एन जो लास्ट वाला टर्म रहेगा और वो ट्वेल्व हंड्रेड है तो सोल्यूशन लिखते हैं और टी एन जो है वो आपका हो जाएगा 1200 और एन आपसे पूछा है इसका मतलब एक इसका पोजीशन नंबर पूछा है और पोजीशन नंबर मिलेगा मतलब मंथ का नंबर भी मिल जाएगा ये फर्स्ट मंथ है सेकंड मंथ है थर्ड मंथ है तो एन मिलेगा तो आपको मंथ का नंबर भी मिल जाएगा चलिए यहाँ पे फिर से फॉर्मूला ही आप देख रहे हो यहाँ पे वैल्यू सब्सिट्यूट नहीं किया है तो टी एन विच इज इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी आ जाएगा यहाँ पे फिर यहाँ पे उन्होंने वैल्यू सब्सिट्यूट किया है ए के प्लेस पे हंड्रेड है एन माइनस वन सेम है डी के प्लेस पे फिफ्टी है तो टी एन के प्लेस पे क्या रहेगा टीएन के प्लेस पे रहेगा ट्वेल्व हंड्रेड यहाँ पे आ जाएगा ट्वेल्व हंड्रेड अब यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है कि सिर्फ और सिर्फ एन माइनस वन यहाँ पर छोड़ा है और फिफ्टी जो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके देख रहे हो वो यहाँ पे डिवाइड करके बताया है इसका ये मतलब है कि पहले उन्होंने क्या किया ये प्लस हंड्रेड को वहाँ पर भेजा है तो ट्वेल्व हंड्रेड में से प्लस हंड्रेड माइनस होकर एलेवन हंड्रेड बना है उसके बाद एन माइनस वन इंटू फिफ्टी में से फिफ्टी को जब यहाँ पे लाया है तो वो डिवाइड हो गया इसका मतलब इसमें ट्वेल्व हंड्रेड में से आपको ये हंड्रेड को माइनस करना है तो यहाँ पे एलेवन हंड्रेड जाएगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे एलेवन हंड्रेड और उसके बाद डायरेक्टली एन का वैल्यू पूछे अब इसको अगर आप सॉल्व करते तो 50 में से 5 का आ, मतलब 50 का ये जीरो और 1100 का ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा फिर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 5 टू ज़ा टेन होता है फिर 1 बचता है 5 टू ज़ार टेन ट्वेंटी होता है लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली n का वैल्यू बोला है इसका मतलब है कि n का वैल्यू अगर आपको चाहिए तो ये माइनस वन को वहाँ पे भेजना पड़ेगा तो 22 है ये माइनस वन वहाँ वहाँ पर गया तो प्लस वन हो जाएगा 22 टू प्लस वन आपको मिल जाएगा 23 इसका मतलब है कि n जो है वो 23 है तो 23 मंथ उसको लग गया 1200 का उसका सेविंग का एक महीने का ऐसा समझिए एक महीने में इतना था दूसरे महीने में इतना था तीसरे महीने में इतना था तो ट्वेंटी थर्ड मंथ में उसका ट्वेल्व हंड्रेड का सेविंग था देर फॉर शी सेव्स ट्वेल्व हंड्रेड इन ट्वेंटी थ्री मंथ्स चलिए सेकेंड एक्टिविटी फिनिश होता है थर्ड एक्टिविटी शुरू करते हैं थर्ड क्या लिखा है कि डिटरमाइन द सम ऑफ फर्स्ट हंड्रेड टर्म्स ऑफ गिवन एपी इसका हंड्रेड टर्म आपको प्लस करना है मतलब ये फर्स्ट टर्म है सेकेंड है थर्ड है फोर्थ है फिफ्थ है तो हंड्रेड टर्म मतलब एन आपको दे दिया है हंड्रेड और पूरे हंड्रेड टर्म को आपको फाइंड आउट करना है मतलब एस हंड्रेड आपको फाइंड आउट करना है एस हंड्रेड तो ए आपके पास है डी आपके पास है और आपका जो फॉर्मूला है ए और डी वाला वो आप यूज़ कर सकते हो तो चलिए यहाँ पे सोल्यूशन शुरू करते हैं ए का वैल्यू आपको ट्वेल्व दिया है डी का वैल्यू आप अगर फाइंड आउट करोगे तो फोर्टीन माइनस आपको टू मिलेगा तो डी टू हो जाएगा एन आपको हंड्रेड दिया है क्योंकि हंड्रेड टर्म तक आपको प्लस करके बताना है तो हंड्रेड टर्म तक अगर आप प्लस करोगे तो होगा कितना ये बताना है? जैसे दो टर्म तक अगर आप प्लस करोगे तो ट्वेंटी थ्री टर्म तक फोर टर्म तक फाइव टर्म तक ऐसा हंड्रेड टर्म तक अगर आप प्लस करते चले जाओगे तो कितना होगा वो आपको फाइंड आउट करना है जिसको एस हंड्रेड बोला जा रहा है अब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो हर जगह पे नंबर ही है मतलब अल्फाबेट है मतलब ये फॉर्मूला यूज किया है तो यहाँ पे 2a आ जाएगा क्योंकि आपको जो फॉर्मूला है sn का वो है 2a ए प्लस एन माइनस वन इन टू यहाँ पे वैल्यू सब्सिट्यूट किया है एस एन के प्लेस पे एस हंड्रेड लिखा है मतलब ये जो एन है उसके प्लेस पे हंड्रेड आ जाएगा फिर टू ए में ए के प्लेस पे ट्वेल्व आएगा और ट्वेल्व इंटू टू ट्वेंटी फोर होगा जो डायरेक्टली दिया है एन माइनस वन के प्लेस पे हंड्रेड माइनस वन दिया है डी के प्लेस पे आपको यहाँ पे नहीं दिया है डी को डी लिखा है अगर लिखना चाहिए था क्या चीज़ टू लिखना चाहिए था चलिए कोई बात नहीं जैसा लिखा रहेगा एक्टिविटी आपको उसी तरह करना है इसको कैंसिल करेंगे तो फिफ्टी आ जाएगा ट्वेंटी फोर सेम है अब देखिए यहाँ पर आपको समझना सिर्फ एक बॉक्स छोड़ा है तो ये जो हंड्रेड माइनस वन है हंड्रेड माइनस वन वो आपको मालूम है कि नाइन्टी नाइन हो जाएगा लेकिन यहाँ पे डी भी कहीं नहीं दिख रहा तो है तो डी है कितना डी टू है इसका मतलब है कि नाइन्टी नाइन को टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो टू नाइनजा एटीन एट वन टू नाइन जी एटीन और वन नाइनटीन तो वन एट हो रहा है इसका मतलब ये इतना पूरा सोल्यूशन जो है वो वन नाइन्टी एट है तो यहाँ पर आ जाएगा वन एट उसके बाद आपके पास सिर्फ एक बॉक्स छोड़ा है तो आप दो बॉक्स छोड़ा है तो आप 50 लिख के 20 प्लस नाइन वन नाइटी जो होता है वो लिख सकते हो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे लिखिए थोड़ी एक्टिविटी में ऐसे चेंजेस है बड़ा जो बॉक्स है वो नीचे दिया है छोटा बॉक्स जो है ऊपर दिया है तो आपको इंटरचेंज करना है यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है बोर्ड एग्जाम में आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है उनका मिस्टेक उनकी जिम्मेदारी है आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए चलिए थर्ड एक्टिविटी यहाँ पर फिनिश होता है फोर्थ एक्टिविटी देखते हैं फोर्थ में क्या लिखा है कि फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन वन टू वन फोर्टी आर डिविजिबल बाई फोर तो यहाँ पे थोड़ा सा बिटवीन का मीनिंग आपको समझना है एक्टिविटी में देखिए पहले से आ, लिखा है कि नेचुरल नंबर्स बिटवीन वन टू वन फोर्टी डिविजिबल बाई फोर अब देखिए वन से वन फोर्टी बिटवीन बोला है वन फोर्टी की अगर अकेले बात करूँ वन फोर्टी तो वो फोर से डिवाइड डिविजिबल है फोर थ्री ज़ार ट्वेल्व और टू बचता है फोर फाइव ज़ार ट्वेंटी तो वन फोर्टी डिवाइड होता है फिर भी वन फोर्टी लिया नहीं गया है और वो इसलिए लिया नहीं गया क्योंकि बिटवीन का मतलब ये होता है कि जो ये नंबर है और ये नंबर है इनको एक्सट्रीम नंबर को छोड़कर इनके बीच में जो जो नंबर रहेंगे वो फोर से डिवाइड होना चाहिए तो 140 को छोड़ना पड़ेगा 139 की बात करेंगे फोर से डिवाइड नहीं होगा 138 की बात करेंगे डिवाइड नहीं होगा वन की बात करेंगे नहीं डिवाइड होगा वन की अगर आप बात करोगे तो वो डिवाइड होगा तो लास्ट नंबर जो रहेगा इसके लिए इसके पहले वाला वो वन रहेगा और वन के बाद आपको मालूम है कि फोर से डिवाइड होने के लिए फोर का ही टेबल चालू होगा तो ये बिटवीन का है अगर बिटवीन नहीं होता ऐसा होता फाइन द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम वन टू वन फोर्टी तो आपको वन फोर्टी भी लेना पड़ता था ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में तो चलिए ये आपका ए पी हो गया है यर डी इज़ फोर देर फोर दिस सिक्वेंस इज एन ए पी ऐसा बताया है और ए पी रहेगा क्योंकि फोर का डिविजिबल है ए आपको फोर बताया है करेक्ट है डी आपकी फोर है वो भी करेक्ट है टी एन जो है लास्ट वाला नंबर रहेगा 136, आपसे क्या बोला फाइंड द सम ऑफ द नेचुरल नंबर आपको प्लस करके बताना है देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझना है आपको कि और ऐसा क्वेश्चन आगे भी आपको मिलने वाला है तो यहाँ सब सबको प्लस करना है तो एस एन के फॉर्मूले से हम प्लस करते हैं लेकिन एस एन के फॉर्मुले में एन का मतलब है कि आप कितने नंबर को प्लस करने चल रहे हो कि एक दो तीन चार नंबर प्लस कर रहे हो क्या पूरे प्लस कर रहे हो अगर चार ही नंबर स्टार्टिंग के प्लस करना है वन टू थ्री फोर तो एस फोर लिख दोगे आप लेकिन अगर आपको सबको प्लस करना है तो आपको यह पता होना चाहिए कि यह कितने पोजीशन पे आ रहा है मैं फिर से बोल रहा हूं किसी ने बोला कि स्टार्टिंग का फोर टर्म आप प्लस करें तो एस फोर आ जाएगा लेकिन अगर आपको बोला कि सब प्लस करके करके बताइए तो आपको यह पता होना चाहिए कि 136 किस पोजीशन पे है एन क्या है तो सबसे पहले आपको एन फाइंड आउट करना पड़ेगा जैसे एन मिल जाता है तब आपको एस एन फाइंड आउट करना पड़ेगा ऐसा सम्स आगे आपको और है सम्स uh, में है ये एक्टिविटी है वो सम्स में है तो यहाँ पे आपको एस एन फाइंड आउट करना है तो टी एन का इसलिए हमने टी एन का फॉर्मूला यूज़ किया है यहाँ पर आपको यही समझना है कि एस एन भले आपको फाइंड आउट करना है लेकिन टी एन का फॉर्मूला आपको यूज़ करके एन निकालना पड़ेगा फिर आपको समझ में आई कि ये कितने टर्म है जैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन है क्या फोर्टीन है क्या फिफ्टीन टर्म है टोटल जिस हिसाब से आपको आ, आ, मिलेगा टर्म्स नंबर वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा तो चलिए टी एन के बाद यहाँ पे सब्सिट्यूट क्या है वैल्यू ए के प्लेस पे फोर लिखा है एन माइनस वन में एन आपको पता नहीं है डी के जगह पे फोर लिखा है तो टी एन के प्लेस पे आपको लिखना पड़ेगा वन थर्टी सिक्स सोल्यूशन में उसके बाद यहाँ पे एन माइनस वन रख के इंटू फोर किया है मतलब ये प्लस फोर है जब वहाँ पर जाएगा तो माइनस फोर हो जाएगा वन थर्टी सिक्स में से अगर आप फोर माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा वन थर्टी टू फिर यहाँ पे डायरेक्टली एन का वैल्यू डायरेक्टली बोला है तो पहले तो ये फोर वहाँ पर जाएगा और वन थर्टी टू से फोर डिवाइड हो जाएगा फोर वन जो फोर फोर थ्री जो ऐसा बोल रहा हूँ फिर फोर थ्री जो ट्वेल्व उसके बाद आपको क्या दिखाई देगा देखिए यहाँ पे वन यहाँ पे थर्टी थ्री दिखाई देगा क्योंकि ये फोर वहाँ पे जाके डिवाइड हुआ है और ये माइनस वन जब वहाँ पे जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा तो थर्टी थ्री प्लस वन आपको मिल जाएगा थर्टी फोर तो यहाँ पे आ जाएगा थर्टी फोर तो अब यहाँ पे आपको ये समझ में आएगा कि ये जो टोटल नंबर है ये थर्टी फोर नंबर है टोटल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टाइट लेवन ट्वेल्व थर्टी फोर ऐसा थर्टी फोर नंबर्स हैं टोटल और ये पूरे के पूरे थर्टी फोर नंबर्स को आपको प्लस करना है तो इसलिए यहाँ पे जो एन है वो एस थर्टी फोर बन जाएगा अब तो एस एन का फॉर्मूला उन्होंने लिख के बताया ए प्लस टी एन समझिए या टी वन प्लस टी एन समझिए दोनों का भी फॉर्मूला एक ही है क्योंकि टी वन और ए एक ही होता है ये फार्मूला गड़बड़ नहीं है टी वन ही है वो तो नहीं लिखा है अगर टी वन तो भी राइट ही है वो तो चलिए अब यहाँ पे सेवनटीन दिया है और इन डैश दे दिया है तो आपको यहाँ पे समझना है कि एन अपॉन्ट टू में एन आपको पता है कि थर्टी फोर मिला है तो थर्टी फोर अपॉन टू का जो वैल्यू वो सेवनटीन ही आएगा मतलब इसको सॉल्व करके यहाँ पे दिया है तो ये जो बॉक्स इसके अंदर ये पूरा सोल्यूशन होना चाहिए तो ए आपके पास कितना है फोर है और टी ए जो लास्ट टर्म है वो 136 है दोनों को अगर ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 140 तो यहाँ पे आ जाएगा 140 फिर इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलता है टू थ्री एट जीरो और इसीलिए टोटल थर्ट थर्टी थर्ट 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 फोर जो टर्म आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है फोर से लेकर 36 सिक्स डिविजल बाई फोर का उसको अगर सबको प्लस कर दोगे तो आपको मिलेगा टू और इसीलिए फाइनली हम यहाँ पर लिख देंगे टू तो चलिए फोर्थ एक्टिविटी आपका ख़त्म होता है फिफ्थ वाला शुरू करते हैं फिफ्थ वाले में क्या लिखा है कि डिसाइड वेदर थ्री जीरो वन इज टर्म ऑफ गिवन सिक्वेंस मतलब ये फाइव है फिर इलेवन है फिर सेवेंटीन है फिर ट्वेंटी थ्री है और ऐसे करते करते क्या थ्री जीरो वन इसके अंदर आता है या नहीं आता है ये आपको बोला है तो चलिए शुरू करते हैं ये डी आप पता लगा सकते हो इलेवन में से फाइव माइनस करके सेवेंटीन में से एलेवन माइनस करके तो आपको डी सिक्स मिल जाता है देर फॉर दिस सिक्वेंस इज एन ए पी ये पहले आपने क्लियर कर दिया यहाँ पर लिखा हुआ है ए आपके पास फाइव है और डी आपको मिल गया सिक्स लेट एंथ टर्म ऑफ दिस ए पी बी थ्री जीरो वन हम क्या करते हैं एक पोजिशन नंबर समझते हैं और समझते हैं कि ये जो थ्री जीरो वन है ऐसे करते करते अगर ये थ्री जीरो वन यहाँ पर आने वाला है तो समझिए समझते हैं कि उसका जो पोजिशन नंबर है वो एन है और एन हम निकालेंगे कि वो कितवे पोजिशन पर आ रहा है तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा देखिए फर्स्ट टर्म पे ये सेकेंड पे ये थर्ड पे ये ट्वेंटी फोर्थ uh, पे ये है तो उन्होंने बोला कि क्या थ्री जीरो वन इसमें आता है क्या तो हम ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पे थ्री जीरो वन लिखते हैं और वो कितवे पोजीशन पे आता है वो पोजीशन निकालते हैं तो लेट एथ टर्म ऑफ दिस ए पी बी थ्री जीरो वन टी एन का फॉर्मूला लिखा है टी एन विच इज ए ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आ जाएगा फिर टी एन के प्लेस पर अब लास्ट में आपने थ्री जीरो वन लिखा है तो टी एन आपका जो है वो थ्री जीरो वन हो जाएगा ए प्लस ए की जगह पर फाइव लिखा है एन माइनस वन इंटू डी डी के प्लेस पर आपको लिखना है सिक्स अब उसके बाद सॉल्व करेंगे तो थ्री जीरो वन सेम रहेगा यहाँ पे ये फाइव सेम रहेगा सिक्स को अगर एन से मल्टीप्लाई करेंगे देखिए इसको अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो फाइव यहाँ पे रहेगा फिर प्लस सिक्स इंटू एन सिक्स एन हो जाएगा फिर माइनस सिक्स वनजा सिक्स हो जाएगा तो सिक्स एन माइनस सिक्स हो रहा है तो इसका ये मतलब है कि इसको और इसको अगर आप सॉल्व करते हो प्लस फाइव को और माइनस सिक्स को तो आपको माइनस वन मिलेगा मतलब सिक्स एन माइनस वन मिलेगा जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है और इस तरफ रहेगा थ्री जीरो वन उसके बाद एन का वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करना है तो ये माइनस वन को पहले आप वहाँ पे भेजोगे तो वो प्लस वन हो जाएगा तो थ्री जीरो वन के साथ जब वो प्लस वन होगा तो थ्री जीरो टू हो जाएगा देखिए यहाँ पे है थ्री जीरो वन पहले तो आप क्या करोगे माइनस वन को वहाँ पे भेजोगे तो थ्री जीरो वन प्लस वन हो जाएगा और विच इज़ इक्वल टू सिक्स एन हो जाएगा थ्री जीरो टू हो जाएगा इसका वैल्यू उसके बाद एन फाइंड आउट करने के लिए सिक्स को वहाँ पर भेजोगे तो डिवाइड बाई सिक्स हो जाएगा और फिर उसके बाद आपको मिलेगा एन का वैल्यू तो थ्री जीरो टू को सिक्स से डिवाइड करना है अब सिक्स को जब थ्री अगर आप टू के टेबल सिक्स को कैंसिल करते हो तो आपको मिलता है वन फिफ्टी वन अपॉन थ्री अब वन फिफ्टी वन को अगर आप थ्री से डिवाइड करोगे तो आपको डेसीमल में मिलेगा और डेसीमल में पोजिशन नंबर कैसे आएगा देखिए इसका ये मतलब है कि ये फर्स्ट पोजिशन पर है ये सेकेंड पोजिशन पर है ये थर्ड पोजिशन पर है क्या मैं बोलूँ कि ये थ्री पॉइंट फाइव फिफ्थ पोजिशन पर है ये पॉसिबल नहीं है तो इसका पोजीशन नंबर भी डेसिमल में नहीं आ सकता है और डेसिमल में यहाँ पे आपको मिल रहा है इसका मतलब 301 है ही नहीं अगर 301 न, आ, होता तो ये डेसिमल में नहीं आता था जैसे अगर आप इसको लेके सॉल्व करोगे टी के प्लेस पे जैसे यहाँ पे टी के प्लेस पे 301 लिया है वैसे अगर आप टी के प्लेस पर टू ट्वेंटी लोगे तो आपको इसका पोजिशन नंबर फोर जो है आपको यहाँ पे एन का वैल्यू भी फोर मिलेगा तो इसका यही मतलब है कि थ्री जो है वो इस सीक्वेंस में नहीं आता है और इसीलिए हम लिखेंगे कि बट n इज़ नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर और देर फोर पॉजिटिव क्यों बोला क्योंकि पोजिशन नंबर नेगेटिव नहीं आता है माइनस वन पोजिशन नंबर नहीं होता है जीरो पोजिशन नंबर हो सकता है तो लेकिन यहाँ पे ए पी भी नहीं होगा स्टूडेंट्स ये याद रखिए सो देर फोर थ्री जीरो वन इज़ नॉट द टर्म ऑफ सिक्वेंस दिस वन चलिए फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है ये फिनिश होता है क्वेश्चन नंबर थ्री ए भी यहाँ पे कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर थ्री बी शुरू करते हैं तो क्वेश्चन नंबर थ्री बी का जो फर्स्ट सम्स आप देख रहे हो वो ये है कि फाइंड एस टेन इफ़ ए इज़ गिवन और डी इज गिवेन तो एस टेन है तो मतलब एन आपको टेन दिया है तो बहुत ईजी है एस एन का फॉर्मूला आपको लिखना है सिर्फ तो चलिए शुरू करते हैं सोल्यूशन में ए आपके पास सिक्स है डी आपके पास थ्री है और आप लिख दीजिए कि ये चीज़ दिया हुआ है और फिर एस एन का जो फार्मूला है वो है एस एन विच इज इक्वल एन अपॉइंट टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी यहाँ पर सब्सिट्यूट करिए एस एन के प्लेस पे एस टेन लिखेंगे तो टेन अपॉइंट टू हो जाएगा टू इंटू ए के प्लेस पे सिक्स आ जाएगा और D के प्लेस पे थ्री आ जाएगा और वो इस तरह आपको दिखाई देगा तो S टेन हो गया N के प्लेस पे टेन आ गया टू इंटू सिक्स हो गया और इस तरीके से अब इसको सिम्प्लीफाई करेंगे टू फाइव 10 टेन हो जाएगा और टू सिक्स ज ट्वेल्व हो जाएगा टेन में से वन माइनस क्या नाइन हो जाएगा नाइन इंटू थ्री है इसको सॉल्व करते हैं फाइव सेम है ट्वेल्व सेम है नाइन थ्री जट ट्वेंटी सेवन इन दोनों को ऐड करते हैं फाइव इंटू थर्टी नाइन फाइव इंटू थर्टी नाइन आपको मिल जाता है वन नाइन्टी फाइव तो एस टेन जो है वन नाइन्टी फाइव है अगर ए सिक्स है और कॉमन डिफरेंस थ्री है तो दस टर्म तक अगर आप प्लस करोगे तो आपको मिलेगा वन नाइन्टी फाइव चलिए फर्स्ट सम्स फिनिश होता है सेकेंड सम्स देखते हैं सेकेंड सम्स क्या लिखा है कि ट्वेल्व सिक्सटीन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर अगर एक ए पी है तो उसका ट्वेंटी फिफ्थ टर्म क्या रहेगा तो टी ट्वेंटी फाइव आपको फाइंड आउट करना है टी ट्वेंटी फाइव मतलब एन जो है वो है ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी ऐसा समझिए थोड़ा राइटिंग पे प्लीज़ बार बार यहाँ पे थोड़ा टैबलेट से इतना अच्छी राइटिंग नहीं आती स्टूडेंट्स तो चलिए यहाँ पे टी ट्वेंटी फाइव आपको फाइंड आउट करना है शुरू करते हैं सॉल्यूशन में कि द गिवन ए पी इज़ ट्वेल्व सिक्सटीन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर और उसके बाद लिखते हैं यर ए जो है वो ट्वेल्व है डी जो है वो 16 माइनस ट्वेल्व आपको मिल जाएगा फोर और उसी तरह कहीं पर भी आप चेक करेंगे तो आपको सेम मिलेगा और सिंस टी एन का ये फार्मूला है तो टी ट्वेंटी फाइव का फार्मूला क्या हो जाएगा तो टी ट्वेंटी फाइव का फार्मूला हो जाएगा ए मतलब ट्वेल्व प्लस ट्वेंटी फाइव माइनस वन इंटू फोर सिंप्लीफाई करिए इसको 12 प्लस 25 फाइव माइनस वन ट्वेंटी फोर सिंपल है ट्वेंटी uh, आएगा तो ट्वेंटी टर्म जो रहेगा इसके uh, आगे का वो आपको मिलेगा वन चलिए uh, थर्ड सम्स देखते हैं इफ़ टी एन इज टू एन माइनस फाइव इज द एंथ टर्म ऑफ एन ए पी देन या जनरल टर्म समझिए देन फाइंड इट्स फाइव फर्स्ट फाइव टर्म्स सिंपल है टी एन आपको दिया है और आपको फर्स्ट फाइव टर्म फाइंड आउट करना है तो टी वन करेंगे तो टू इंटू वन माइनस फाइव सॉल्व करना है टी टू करेंगे तो टू इंटू टू करके सॉल्व करना है सिंपल क्वेश्चन है शुरू करते हैं और यहाँ पे टी एन आपको दिया टू एन माइनस फाइव यह दिया हुआ है तो टी वन जो है वो क्या हो जाएगा टू इंटू वन माइनस फाइव और जिसका जिसको सॉल्व करेंगे तो टू माइनस फाइव आएगा टू वन जो टू माइनस फाइव और जिसका सोल्यूशन आएगा माइनस थ्री उसके बाद टी टू अगर आप फाइंड आउट करोगे तो एन को आपको टू करना है क्योंकि टी एन में एन को टू किया है मैं बार बार सिंपल चीज़ बता रहा हूँ मैं जानता हूँ आपको आता है लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा समझते रहिए बोर मत हो जाइए तो टू इंटू टू माइनस फाइव को सॉल्व करेंगे तो माइनस वन आएगा यहाँ पे भी आप देख सकते हो उसके बाद टी थ्री के लिए सेम आप देखो टी फोर के लिए भी आपको समझ में आ जाएगा टी फाइव तक आपको फाइंड आउट करना है तो टी फाइव निकाल लीजिए और इस तरीके से आपका जो फर्स्ट फाइव टर्म्स रहेगा वो ये हो जाएगा जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है चलिए फोर्थ सम्स देखते हैं फोर्थ सम्स क्या लिखा कि फाइन द सम ऑफ थ्री डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई फोर तीन डिजिट का

उसका पोजीशन नंबर भी आपको मालूम होना चाहिए तो क्या ये जो हंड्रेड है क्या ये थ्री से फोर से डिवाइड होता है तो ऑब्वियसली ये फोर इंटू ट्वेंटी करेंगे तो आपको हंड्रेड मिलेगा तो फर्स्ट नंबर जो है वो आपको हंड्रेड ही मिल जाता है सेकेंड नंबर जो है आपको मिल जाएगा हंड्रेड क्योंकि फोर का टेबल है तो सेम रहेगा फिर 108 उसी तरह आप अगर देखेंगे तो 999 नहीं जाता है तो इसके पहले कौन सा नंबर जाता है वो लेके आपको स्टॉप होना है चलिए देखते हैं तो यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखते हैं कि द थ्री डिजिट नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई फोर आर हंड्रेड हंड्रेड 108 फोर हंड्रेड एंड एट और नाइन नाइन्टी सिक्स जो नाइन नाइन्टी नाइन के पहले नाइन नाइन्टी सेवन नाइन नाइन्टी एट नहीं रहेगा नाइन नाइन्टी सेवन नहीं रहेगा नाइन सिक्स रहेगा अब आपसे बोला कि अगर ये आपका थ्री डिजिट नंबर है जो फोर से डिवाइड हो रहा है तो आप क्या करिए आप सबको प्लस करके बताइए आपको सब प्लस करना है 996 तक सबको प्लस करना है यहाँ पे फिर से आप यही समझिए कि आप अगर तीन टर्म को प्लस करते थे मैं अगर आपको बोलूँ कि तीन टर्म को प्लस कर दीजिए एक दो तीन को तो आप बोलोगे एस थ्री लेकिन अगर ये सभी को प्लस करने बोलूँ तो आपको ये पता रहना चाहिए कि ये कहाँ पर आ रहा है किस नंबर पर आ रहा है तो एन आपको निकालना पड़ेगा बस ये आपको समझना है और एन निकालने के लिए फॉर्मूला है टी एन तो पहले हम टी का फार्मूला यूज़ करेंगे और फिर एन का फार्मूला यूज़ करेंगे और दूसरी बात है शायद से ये आपको जो नोट्स अपलोड किया हो इसका इसमें थोड़ा सा पार्ट मिस हो गया है आप यहाँ पर देख के समझ लीजिए या तो मैं देखूँगा मैं बाद में अपडेट कर दूँगा यहाँ पर आप समझ सकते हैं तो आप पहले टी के फॉर्मूले से एन निकालिए तब आपको पता चले कि टोटल कितने नंबर्स हैं और फिर आप एस उस एन को लेके कर यहाँ पर लिख के आपको सबको प्लस करना है तो चलिए शुरू करते हैं तो द अबो सिक्वेंस इज एन ए पी आपको समझ में आ रहा है दे फोर ए जो है हंड्रेड है डी जो है वो हंड्रेड एंड फोर माइनस हंड्रेड वो जो uh, मिल रहा है आपको फोर लेट द नंबर ऑफ टर्म्स इन द ए पी बी एन हम ऐसा जूम करते कि टोटल जो टर्म है यहाँ पे वो एन है अब वो एन आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है तो देन टी एन जो है वो नाइन नाइनटी सिक्स है लास्ट टर्म जो आपको दिखाई दे रहा है वो नाइन नाइन्टी सिक्स दिख रहा है लेकिन वो कौन से पोजिशन पर आ रहा है वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो वो आपको मिलेगा टी के फॉर्मूले से तो सिंस टी का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी तो नाइन नाइन्टी सिक्स टी के प्लेस पे लिखा ए के प्लेस पे ए का वैल्यू लिखा डी के प्लेस पे डी का वैल्यू लिखा और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो नाइन नाइन्टी सिक्स विच इज 100 टू हंड्रेड प्लस फोर इंटू एन फोर एन माइनस फोर वन फोर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो नाइन which सिक्स equal इज इक्वल टू हंड्रेड में से फोर माइनस किया नाइन्टी सिक्स प्लस फोर एन इसको यहाँ पे लाके माइनस करेंगे तो नाइन नाइनटी सिक्स माइनस नाइनटी सिक्स विच इज़ टू फोर एन 900, हंड्रेड विच इज़ इक्वल टू फोर होगा फिर 4 को वहाँ पे भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा तो n का वैल्यू आपको मिलता है 225. इसका ऐसा मतलब है कि एक दो तीन चार पाँच छः सात ऐसा करते करते टोटल 225 ऐसे नंबर है थ्री डिजिट में जिनको आप 4 से डिवाइड कर पाओगे तो अब जाके आपको सिर्फ ये पता चला कि टोटल टू टर्म्स हैं अब आपको बोला है कि सबको प्लस करके बताओ मतलब कितने टर्म को आपको प्लस करना है तो आपको 225 ट्वेंटी को प्लस करना है तो अब आपको एस टू आपको फाइंड आउट करना है जिसका एन अपॉन टू का जो फॉर्मूला जिसमें एन आएगा टू तो चलिए वो भी देख लेते हैं तो अब आपको करना कि SN है, है कि एस का जो फॉर्मूला है वो एन ए पॉइंट टू इंटू टी वन प्लस टी एन है क्योंकि आपके पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है तो एन ए पॉइंट टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला फॉर्मूला आप लिखोगे तो आप बेवजह थोड़ा सा ज़्यादा स्टेप कर लोगे तो एस टू ट्वेंटी फाइव क्या हो जाएगा टू ट्वेंटी फाइव पॉइंट टू इंटू हंड्रेड प्लस नाइन नाइनटी सिक्स इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो टू ट्वेंटी फाइव पॉइंट टू इंटू इन दोनों को प्लस करेंगे आएगा इनको डिवाइड कर सकते हो आप डिवाइड करने पर आपको मिलेगा फाइव फोर्टी एट इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा वन टू थ्री थ्री डबल जीरो तो टोटल 225 ट्वेंटी टर्म को अगर आप प्लस करोगे थ्री डिजिट से जो डिविजिबल है तो आपको मिलता है वन टू थ्री थ्री जीरो और लास्ट में आपको ये लिख देना है तो चलिए फोर्थ सम्स आपका फिनिश होता है फिफ्थ वाला देखते हैं तो फिफ्थ वाला जो सम्स है वो क्या लिखा है कि मेरी गॉट ए जॉब विथ सैलरी फिफ्टीन पर मंथ इफ़ हर सैलरी इंक्रीजेज बाई वन पर मंथ हाउ मच वुड ही सॉरी वुड बी हर सैलरी आफ्टर ट्वेंटी मंथ बीस मंथ के बाद तो एन आपको दे दिया है ट्वेंटी उसका जो सैलरी है वो फिफ्टीन थाउजेंड से स्टार्ट हो रहा है मतलब ए आपको दे दिया है फिफ्टीन थाउजेंड हर महीने सौ रुपया बढ़ रहा है मतलब अगले महीने अगर देखा जाए तो फिफ्टीन थाउजेंड वन हंड्रेड हो रहा है मतलब डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो सौ रुपये का है मतलब डी जो है वो आपको मिल रहा है हंड्रेड उसके बाद आपको क्या बोला कि हाउ मच वुड बी हर सैलरी आफ्टर ट्वेंटी मंथ कितना होगा ट्वेंटी मंथ के बाद ऐसा नहीं बोला कि ट्वेंटी मंथ तक वो कितना पूरा पैसा जमा कर लेगी एस ट्वेंटी नहीं आपको फाइंड आउट करना है टी ट्वेंटी आपको फाइंड आउट करना है तो चलिए शुरू करते हैं सोल्यूशन में और यहाँ पे लिखते हैं कि मैरीज मंथली सैलरीज फॉर्म सैन ए पी मैरी का जो मंथली सैलरी है वो ए पी बना रहा है क्योंकि फिफ्टी थाउजेंड है फिर फिफ्टीन थाउजेंड वन हंड्रेड है फिर फिफ्टी थाउजेंड टू हंड्रेड है क्योंकि इफ़ हर सैलरी इनक्रीजेज़ बाई वन हंड्रेड पर मंथ हर महीने अगर सौ सौ रुपया बढ़ रहा है मतलब हर महीने के बीच का जो गैप है वो हंड्रेड रुपीज़ है तो डी आपको हंड्रेड मिल जाएगा और फर्स्ट टाइम आपको मिल जाएगा फिफ्टीन थाउजेंड तो वो एक ए पी फॉर्म का रही आपको बता रहा है तो नंबर ऑफ़ मंथ आपको बोला ट्वेंटी मंथ तक उसका कितना सैलरी रहेगा ट्वेंटी मंथ के बाद तो एस ट्वेंटी सॉरी टी ट्वेंटी आपको फाइंड आउट करना है तो टी एन का ये फॉर्मूला है तो टी ट्वेंटी विच इज फिफ्टीन थाउजेंड ए के प्लेस पे लिखा है एन के प्लेस पे ट्वेंटी लिखा है आपको समझ में आ रहा है डी के प्लेस पे आपने लिखा है हंड्रेड फिर आप सॉल्व करते हो तो आपको मिलता है ट्वेंटी में सेवन माइनस करेंगे नाइन्टी नाइनटीन इंटू हंड्रेड जो आपको मिलेगा 1900 इन दोनों को प्लस अगर आप करते हो तो वन सॉरी 16900 जो है वो टी हो रहा है मतलब ये कि 20 महीने के बाद उसका जो सैलरी रहेगा वो रहेगा 16900 अगर पहले मंथ में उसको 15000 दिया है और हर महीने एक एक सौ रुपया बढ़ाया गया है तो चलिए फिफ्थ सम्स के बाद सिक्स सम्स देखते हैं सिक्स क्या लिखा है कि द एंथ टर्म ऑफ एन ए इज सिक्सटी सॉरी हाँ कि ये ए का जो एंथ टर्म है अगर वो 68 है तो एन फाइंड आउट करिए मतलब ये टी एन आपको दिया है ये ए दिया है डी आप निकाल सकते हो एन आपको फाइंड आउट करना है टी एन के फॉर्मूले से आएगा क्वेश्चन से मैं थोड़ा सा घुमा के पूछा है आपको सिर्फ याद रखना है ये सारी चीज़ तो चलिए द गिवन ए आपको दिया है और उसके बाद यर ए इज़ फाइव डी इज़ एट माइनस फाइव और टी एन जो है वो सिक्सटी है आप चाहिए तो यहाँ पर भी सिक्सटी लिख सकते हो अब आपको ये बताना है कि ये पोजिशन नंबर क्या है एन तो टी के फॉर्मूले से मिलेगा तो सेंस टी का फॉर्मूला ये है तो टी एन के प्लेस पे आप देखिए 68, एट विच इज़ इक्वल टू फाइव प्लस एन माइनस वन इन डी ये आपको पता है वैल्यू सब्सिट्यूट किया है सॉल्व करेंगे तो 68 एट विच इज to टू थ्री एन और इन थ्री इनको पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 5 माइनस थ्री टू प्लस थ्री एन टू को वहाँ पे लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा सिक्सटी uh, में से टू सिक्सटी आएगा थ्री इसको यहाँ पे लेकर डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाता है थ्री टू सिक्स ट्वेंटी तो एन जो है वो ट्वेंटी मिल रहा है और एन आपसे पूछा है चलिए सेवेंथ समझ देखते हैं सेवन सम्स क्या लिखा कि वॉट इज द सम ऑफ एन ऑड नंबर बिटवीन वन टू फिफ्टी वन से लेके फिफ्टी के बीच में ऑड नंबर बिटवीन बोल दिया देखिए फिर से तो थ्री से शुरू होगा वन को आपको छोड़ना है फिफ्टी एक ईवन नंबर है इसके पहले जो है फोर्टी नाइन तो थ्री के बाद का जो ऑड नंबर रहेगा वो आपको मालूम है फाइव है उसके बाद आपको मालूम है सेवन है इस तरह करते करते फोर्टी नाइन है तो आपको बोला कि वाट इज द सम ऑफ एन ऑड नंबर सबको प्लस करना है तो आपको सबको प्लस करना है तो आपको यह पता लगाना पड़ेगा कि इसका पोजिशन नंबर क्या है मतलब पहले टी एन निकालिए आपको एन मिलेगा फिर एस निकालिए जैसा हमने इसके पहले वाले शब्द में किया है तो चलिए शुरू करते हैं लिखते हैं कि द ऑड नंबर्स बिटवीन वन टू फिफ्टी आर थ्री फाइव सेवन फोर्टी नाइन ये आप समझ लीजिए बिटवीन वर्ड का यही मतलब होता है आपको ये दोनों को एक्सक्लूड करना पड़ेगा तो यहाँ पे द अबाउ सिक्वेंस इज़ एन ए पी क्योंकि यहाँ पे ए जो है वो थ्री है और डी आपको मिलता है हर जगह पे टू आप लेट द नंबर ऑफ टर्म्स इन एन ए पी बी एन और एन आप निकालिए उसके बाद आप एस एन निकाल सकते हो तो देन टी एन जो है वो फोर्टी नाइन है लास्ट वाला टर्म जो है वो फोर्टी नाइन है सिंस टी एन का फार्मूला ये है तो फोर्टी नाइन विच इज़ टू थ्री प्लस सिर्फ सब्सटीट्यूट किया है वैल्यूज़ मैं आपको फास्ट में बता रहा हूँ इसको सिम्प्लीफाई करते रहेंगे अगर आप तो आपको फोर्टी एट मतलब एन जो है वो आपको मिल जाएगा ट्वेंटी फोर तो ट्वेंटी फोर आपको एन मिला है ये आप समझिए मतलब टोटल ट्वेंटी फोर टर्म है आप सबको प्लस करने वाला है सबको तो एस ट्वेंटी फोर आपको फाइंड आउट करना है जिसमें से एस एन का ये फार्मूला आप लिख सकते हो बिकॉज आपके पास फर्स्ट टर्म भी है और लास्ट टर्म भी है और पोजिशन नंबर भी एन भी है आपके पास ट्वेंटी फोर तो एस ट्वेंटी फोर इक्वल्स टू ट्वेंटी फोर अपॉन्ट टू इंटू थ्री प्लस फोटी नाइन जिसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाता है सिक्स ट्वेंटी फोर तो चलिए सेवन्थ सम्स यहाँ पे फिनिश होता है एट सम्स देखते हैं तो एट वाला क्या लिखा है कि फॉर एन ए पी टी फोर अगर ट्वेल्व है फोर्थ टर्म अगर ट्वेल्व है और उसका जो कॉमन डिफरेंस डी है वो माइनस टेन है तो टी टेन निकालिए फाइंड आउट करने को बोला है तो से टी एन तो का जो जनरल फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस वन इन डी उसमें एन आपको नहीं पता है क्योंकि टी एन बोला है तो एटलीस्ट आपको ए और डी तो निकालना ही पड़ेगा तो ए और डी जो है वो आपको टी फोर के फॉर्मूले से आराम से मिल सकता है चलिए देखते हैं किस तरह आप फाइंड आउट करोगे तो सोल्यूशन लिखते हैं और टी फोर जो है आपको ट्वेल्व दिया है फोर्थ टर्म डी आपको दिया है माइनस टेन सिंस टी एन का ये फॉर्मूला है तो टी फोर को अगर रिप्लेस करेंगे तो टी फोर इक्वल्स टू ए प्लस फोर माइनस वन इंटू डी इसको अगर आप सॉल्व करते हो या इसको देखते हो देखिए फोर्थ टर्म जो है वो आपको ट्वेल्व दिया है इसके प्लेस पे अगर ट्वेल्व आता है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ए दिखाई देता है और आपको अगर ए मिल जाता है डी आपके पास है तो टी एन के फॉर्मूले में आपको ए और डी के प्लेस पर इसका वैल्यू सब्सिट्यूट करना है और इतना ही करना है तो चलिए फिर ट्वेल्व विच इज इक्वल टू ए प्लस फोर माइनस वन थ्री टू माइनस टेन माइनस थर्टी हो जाएगा और फिर माइनस थर्टी को आप यहाँ पे लाओगे तो ए विच इज इक्वट फोर्टी टू मिल जाएगा तो ए आपके पास आ चुका है अब आपको क्या करना है टी एन का फॉर्मला लिखना है तो टी एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ए की जगह पर ए का वैल्यू डी के पे डी का वैल्यू सब करके आपको सिंप्लीफाई करना है तो विच इज इक्वल टू फोर्टी टू प्लस एन माइनस वन इंटू माइनस टेन फोर्टी टू Uh, इसको सिम्प्लीफाई कर सकते हैं प्लस इंटू माइनस माइनस एन इंटू टेन टेन एन माइनस इंटू माइनस प्लस टेन वन जर टेन फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फिफ्टी टू प्लस टेन सॉरी फोर्टी टू प्लस टेन फिफ्टी टू माइनस टेन एन तो ये आपको टी एन मिल जाएगा तो आप फाइनली लिख सकते हो कि देरफो टी एन जो है वो आपको मिलता है फिफ्टी टू माइनस टेन है चलिए नाइन सम्स लिखते हैं और नाइन सम्स क्या लिखा लिखेगी फाइन ट्वेंटी सेवन्थ एंड एंथ टर्म ऑफ गिवन एपी एंथ टर्म बोला है मतलब टी एन आपको फाइंड आउट करना है ए और डी का वैल्यू सब्सिट्यूट करके और ट्वेंटी सेवन टर्म बोला है तो एक बार टी एन के फॉर्मूले में एन के प्लेस में ट्वेंटी सेवन सब्सिट्यूट करके टी ट्वेंटी सेवन आपको फाइंड आउट करना है तो टी ट्वेंटी सेवन आपको फाइंड आउट करना है और टी एन आपको आउट करना है और ये उसका ए पी है तो चलिए शुरू करते हैं सोल्यूशन में कि द गिवन ए पी इज दिस जिसमें आप देखोगे तो ए आपके पास फाइव है और डी अगर आप फाइंड आउट करते हो तो आपको मिलता है माइनस थ्री और ट्वेंटी सेवन्थ टर्म और एनथ टर्म आपको आउट करना है तो सेंस टी एन का ये फार्मूला है तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं पहले टी एन का फार्मूला निकाल रहे हैं और उसके बाद टी ट्वेंटी सेवन निकालेंगे आप टी ट्वेंटी सेवन भी पहले निकाल सकते हो एन के प्लेस पे ट्वेंटी सेवन लिखे और बाद में टी एन मैं थोड़ा सा बताऊँगा कि ऐसा जो हमने किया उससे आपको थोड़ा सा क्या हेल्प हो सकता है तो पहले टी एन निकालेंगे तो टी एन में टी एन जो है वो सेम ही रहेगा ए के प्लेस पर आप ए का वैल्यू लिखिए और डी के प्लेस पर डी का वैल्यू लिखिए तो टी एन में चीज इक्वलो ए की जगह पे फाइव लिखा डी के प्लेस पे माइनस थ्री लिखा इसको सिंप्लीफाई किया तो आपको टी एन मिला फाइव माइनस थ्री एन प्लस थ्री सिंप्लीफाई करने के बाद फिर इसको सिम्प्लीफाई करेंगे तो टी एन आपको मिलता है एट माइनस थ्री एन तो ये आपका टी एन हो गया अब देखिए टी ट्वेंटी सेवन जब आप फाइंड आउट करोगे अब तो आपको ये नहीं करना वापस से ये पूरा फॉर्मूला लिखना क्योंकि इसी को आपने सिम्प्लीफाई करके यहाँ तक लाया है तो टी ट्वेंटी सेवन में आपको ये एन के प्लेस पर ट्वेंटी सेवन यहाँ पर लिखना है और ये एन के प्लेस पर ट्वेंटी सेवन यहाँ के इतना ही सॉल्व करना आपको टी ट्वेंटी सेवन मिल जाएगा और यही वजह है कि टी ट्वेंटी सेवन को बाद में फाइंड आउट किया और ऐसा कुछ नहीं है अगर आप टी ट्वेंटी सेवन को पहले ये फॉर्मूले से फाइंड आउट करके बाद में टी एन ये निकालोगे तो भी कोई बात नहीं है तो टी ट्वेंटी सेवन के लिए अब इतना ही करना है एट माइनस थ्री इंटू ट्वेंटी सेवन और जिसका सोल्यूशन हो जाएगा एट माइनस थ्री इंटू ट्वेंटी सेवन एटी वन विच इज इक्वल माइनस सेवनी थ्री थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ ताकि आपको रिविजन के हिसाब से ये वीडियो आप बोर्ड एग्जाम के पहले फास्ट में देख लीजिए आपका प्रिपरेशन हो जाएगा तो चलिए फिर फाइनली लिखेंगे देर फॉर एथ टर्म ऑफ एन ए पी इज़ एट माइनस थ्री एन एंड ट्वेंटी सेवेंथ टर्म जो है वो है आपका सेवेंटी थ्री माइनस सेवेंटी थ्री चलिए अब इस वीडियो का लास्ट जो सम से वो देखते हैं टेन सम्स टेन सम्स क्या लिखा कि फाइन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए पी हुट इज थ्री एंड टी ट्वेल इज फिफ्टी टू जब ऐसे दो दो दिए रहते हैं आप समझिए कि इक्वेशन आपको बनाना है आपको ए फाइंड आउट करना है और आपको डी फाइंड आउट करना है ये दो चीज़ आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है तो चलिए शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन पूरा स्क्रीन पर ले, ले लेते हैं तो आप याद रखिए T8 से आपको एक इक्वेशन बनाना है T12 से आपको एक इक्वेशन बनाना है फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन के इस हिसाब से सब्ट्रैक्टिंग एडिंग करके जो भी पॉसिबल रहेगा उसको सब्ट्रैक्ट या ऐड करके आपको A और D का वैल्यू फटव करना है तो चलिए शुरू करते हैं सोल्यूशन में कि फॉर एन ए पी लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस आप ऐसा समझ रहे हैं कि ऐसा बता रहे हैं कि हम एजूम करते हैं कि जो ए पी की बात हो रही है उसका जो फर्स्ट टर्म रहेगा वो ए रहेगा और उसका जो कॉमन डिफरेंस रहेगा वो डी रहेगा जो हमेशा रहता है उसके बाद देखिए कि T8 जो है वो आपको थ्री दिया है और T12 जो है वो आपको 52 दिया ये चीज़ दिया हुआ है अब इन दोनों से एक एक इक्वेशन आप बना सकते हो Tn के फॉर्मूले से तो सिंस Tn का फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी तो T8 अगर आप रिप्लेस करते हो तो a प्लस एट माइनस वन इंटू डी हो जाएगा मतलब a प्लस सेवन डी हो जाएगा और T8 के प्लेस पे आप लिख सकते हो थ्री मतलब थ्री विच इज़ इक्वल टू ए प्लस सेवन डी हम लिखेंगे थ्री विच इज इक्वल ए प्लस सेवन डी जिसको आप बोल सकते हो कि दैट इज ए प्लस सेवन डी विच इज इक्वल टू थ्री और इसको इक्वेशन वन कर दीजिए तो जिस तरह आपने टी एट से एक इक्वेशन बनाया है उसी तरह टी ट्वेल्व से भी एक इक्वेशन बना सकते हो तो चलिए एक इक्वेशन और बनाते हैं कि ऑल्सो टी ट्वेल्व इज फिफ्टी टू देरफोर ए प्लस ट्वेल्व माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू फिफ्टी टू तो हमने थोड़ा सा ये स्टेप लिख दिया है समझिए यहाँ पे तो a प्लस इलेवन डी विच इज इक्वल फिफ्टी टू ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा अब यहाँ पे सब्ट्रक्टिंग करेंगे अगर हम तो a ए कैंसिल हो जाएगा तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन फ्रॉम टू इसको ऊपर रखते हैं क्योंकि इलेवन डी ग्रेटर है और सेवन डी स्मॉलर है तो a प्लस एलेवन डी विच इज ईक्ल फिफ्टी टू ऊपर लिखते हैं और a प्लस सेवन डी विच इज एक थ्री इसको नीचे लिखते हैं सिंस हम इसको सब्ट्रैक्ट करें तो आपका पूरा साइन जो है वो चेंज हो जाएगा ये प्लस माइनस हो जाएगा ये प्लस माइनस हो जाएगा ये प्लस माइनस हो जाएगा ए और ए यहाँ पे कैंसिल हो जाता है 11d में से सेवेंटी आपको माइनस करना है 52 में से आपको 3 माइनस करना है तो 11d में से सेवनडी अगर आप माइनस करोगे तो 4d हो जाएगा 52 में से अगर आप 3 माइनस करोगे तो 49 हो जाएगा d को सॉरी 4 को वहाँ पे अगर हम भेजते हैं तो d डी इज चीज़ फोर्टी नाइन अपॉन फोर होता है जिसको आप सिम्पलीफाई नहीं कर सकते हो तो डी यही है आपका तो आपसे कॉमन डिफरेंस जो पूछा है वो यही रहेगा अब ये वैल्यू को आपको किसी भी एक इक्वेशन में सब्सिट्यूट करना है इधर वन में या टू में आपको ए का वैल्यू मिल जाएगा और वही आपसे पूछा भी है फर्स्ट टर्म तो so, सब्सिट्यूटिंग d टू फोर्टी नाइन अपॉन फोर जो आपको मिला है इन इक्वेशन वन तो जहाँ पे डी है वहाँ पे हम लिखेंगे फोर्टी नाइन अपॉन फोर तो ए प्लस सेवन इंटू डी है 49 नाइन अपॉन फोर विच इज इक्वल टू थ्री ए प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा थ्री फोर्टी थ्री अपॉन फोर विच इज इक्वल टू थ्री फिर ए विच इज इक्वल टू प्लस थ्री फोर थ्री अपॉन फोर को अगर वहाँ पे भेजेंगे तो माइनस थ्री अपॉन फोर थ्री हो जाएगा फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे फोर थ्री ट्वेल्व माइनस थ्री फोर थ्री अपॉन फोर तो आपको ये मिलेगा और ये है आपका ए का वैल्यू तो ए इस तरीके का मिला है देखिए थोड़ा सा अजीब मिला है ख़तरनाक मिला है ऐसा बोल सकते हो और डी भी आपको ऐसा मिला है तो चलिए ये वीडियो यहाँ पे फिनिश होता है और मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि इसका जो नोट्स है वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा प्लीज़ आप उसको डाउनलोड करके पी फॉर्म में रख लीजिए रिविजन के लिए भी प्रैक्टिस करने के लिए भी और बोर्ड एग्जाम जब आपका चालू हो जाएगा तो आप ये वीडियो को आप फास्ट मोड पर देख के आप रिविजन अच्छी तरह कर सकते हो तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू वेरी मच